नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम हिंदी ज्ञान में स्वागत है। मेरा आज का विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के जो प्रथम लेखक हैं वो है गार्सर द तासी, जिनका ग्रंथ है इस्तवार दल लिटरेचर एंडियो ए हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ। प्रथम प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में और इसका द्वितीय प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में किया गया। गार्सर तासी की अगर हम बात करें तो गार्सर तासी एक फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा में अनेक कवियों का परिचय दिया, लेकिन गार्सर तासी ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं। इतिहास लेखन परंपरा के जो दूसरा महत्वपूर्ण लेखक है वो है शिव सिंह सेंगर। उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोच, जिसमें उन्होंने 1000 से अधिक कवियों के कविता तथा उनकी रचना काल की ओर संकेत किया है। आगे बढ़ते हैं, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी जो ग्रंथ है द मॉडर्न वेनेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1888 ईस्वी में। हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को दिया जाता है। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद चार भागों में लिखे, जिसमें इन्होंने 5000 से भी अधिक कवियों का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ। दूसरी ओर आचार्य शुक्ल जी के इतिहास को मिल के पत्थर के समान माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो ग्रंथ है वो तीन भागों में है। प्रथम जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ। द्वितीय है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन सन 1952 को हुआ। तृतीय है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन भी 1952 को ही हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा प्रथम वीडियो है, आशा करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और भी मूल्यवान वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।